اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الله عز وجل في القرآن الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واجب الاحترام گرامی قدر حضرات و حاضرین واجب الاحترام معزز سامعین اور لائق عزت و احترام معززات سامعات اللہ پاک دے گے دعا ہے اج دے اس بابرکت فریضہ دی بر وقت ادائیگی اپنی بارگاہ دے اندر مقبول فرمائے اج دے خطبہ دے اندر اللہ پاک دی توفیق خاص دے نال خواہشات دی پیروی دے اتباع دے نقصانات اور جہاد بن نفس دے بارے دے اندر گزارشات ہون گیاں مولا کریم جو کچھ بیان کیتا جائے میرے سمیت عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے آج
अल्लाह सुबहानहु व तआला ने बहुत बड़ी बशारत दा और कामयाबी दा तज़किरा फरमाया फरमाया व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बी, और जो शख्स बारगाहे इलाही देंदर खड़े होन तो डर गया, उन्हें अपने नफ्स दा मुहासबा कीता और दरबारे इलाही देंदर खड़े होन दी फिकर कीती। वनहन नफ्स अनिल हवा, और उस शख्स ने अपने नफ्स नू शैतान दिया ख्वाहिशातों इत्तेबाए नफ्स तों और अपनी ख्वाहिश दी गुलामी तो रोकया। फइन्नल जन्नत ही अल मावा, तो पस ओदा ठिकाना अल्लाह देहां ओदा मकाम जन्नत मावा होएगा, जन्नत नईम होएगा, जन्नतुल फिरदौस होएगा और ओ कामयाबी दा जामिन और अल्लाह देहां यकीनी सुरखरू होएगा। तो हबाबे गिरामी, सब तो बड़ा जिहाद और सब तो बड़ी कुर्बानी ओ ख्वाहिशात नफ्स दी कुर्बानी है। जिस शख्स ने अपनिया ख्वाहिशात नू रिजाए इलाही ते कुर्बान कर दिता, शैतान दी इत्तिबानू छोड़ के रहमान दी इताअत कर ली, जलालत दे रस्ते नू छोड़ के हिदायत दा रस्ता अपना लिया, कुफरो शर तो बच के नेकी और खैर देवल उन्हें अपने आप नू मायल फरमाया। दुनियावी लज्जता नू छोड़ के आखरत दियां कामयाबियां नू अपनी जिंदगी दा महवरो मरकज बनाया। रब्बे कायनात ने उस शख्स नू कामयाबी दा सर्टिफिकेट दिता है, निजात दा जामिन ठहराया और उस शख्स नू अपने कुरब दा हकदार ठहराया। तो अहबाबे गिरामी, जिहाद दियां मुख्तलिफ अकसाम ने, उन्हां दे विचों मोमिन मर्द दा और बिलखसूस ताकतवर मोमिन नौजवान दा अफजल जिहाद
बेहतर जिहाद जिहाद दे अकबर ख्वाहिशात ते नफ्स नू कुचलना है। नफसानी ख्वाहिशात नू तर्क करना है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन दी इताअत दा अपने आप नू मजहर बनाना है। किताबो सुन्नत दे अंदर ख्वाहिशात दी गुलामी करने वालियां दे अंजाम नू बयान कीता गया। और ओ लोग जिन्ना ने रिजाए इलाही नू छोड़ के अपनी ख्वाहिशात नू फौकीयत और तरजीह दिती उना दा वबाल भी बयान कीता गया। अल्लाह सुबहानहु व ताला ने ख्वाहिशात दी गुलामी करने वालियां दी मुजम्मत बयान फरमाई। और ओ लोग जेड़े अपनियां ख्वाहिशात नू अल्लाह दी इताअत दी खातर रिजाए इलाही दी खातर छोड़ देने वाले उना दा मकाम भी बयान फरमाया। मोमिन कौन है? मोमन दी पहचान कर लीजिए। इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमाने गिरामी मेरे नबी करीम रऊफुर रहीम साहिब खुलके अजीम अलैहि तहियतु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हवाहु तबियल्लिमा जीतु बिही। मेरे पाक नबी अलैहि सलाम ने फरमाया उन्नी देर तक कोई बंदा मोमिन नहीं जी हो सकता, उन्नी देर तक कोई बंदा कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जिन्नी देर तक ओदिया ख्वाहिशात भी मैं मुहम्मद दे दीन दे ताबे ना हो जान। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया मोमन ओ बंदा है जिड़ा नजायज ख्वाहिशात नहीं रखदा बल्कि ओदियां ख्वाहिशात भी मेरे पाक नबी दे दीन दे मुताबक हुंदियां ने। मेरे भाई ए ईमान दा बेहतरीन तकाजा है जिस बंदे दी ख्वाहिश मेरे पाक नबी दी ख्वाहिश दे ताबे हो जाए दीन दे ताबे हो जाए। इस वास्ते मेरे भाई अगर अपने ईमान नू मुकम्मल करना चाहते हो फिर अपनी ख्वाहिशात नू मेरे नबी दे दीन दे ताबे कर लीजिए। अपनी ख्वाहिशात नू मेरे पाक नबी दी अदालत दे अंदर पेश कीजिए। जे ओ ख्वाहिशात सीरत नबी दे ताबे ने ओना ख्वाहिशात नू जरूर पूरा कीजिए, जरूर अपनाइए, जरूर तगो दो कीजिए। और अगर वो ख्वाहिशात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीन दे मुतजाब ने आप दे तरीके दे मुखालिफ ने तो ओना ख्वाहिशात नू छोड़ दीजिए, ओदी पैरवी नू तरक कर दीजिए। नहीं ते मेरे भाई दुनिया दे अंदर भी वबाल है, आखरत दे अंदर भी एदा वबाल है। और आइए मेरे भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन दे कुरान दिया आयात ते गौर फरमाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अफरईत मन इत्तखज़ा इलाहहू हवाहू
وَأَزَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. اللہ رب العالمین نے فرمایا او بندہ جڑا دنیا دے اندر خواہشات دا پیروکار بن جائے, جدا دنیا دے اندر مقصدی خواہش دی پیروی کرنا بن جائے, جڑا صبح و شام لیل و نہار ہر صبح و ہر شام اپنی خواہش دی غلامی کردا ہے, اٹھدا ہے تینوں اپنی خواہشات دی فکر ہے, اے جناب دنیا دے اندر چلدا ہے تے اپنی خواہشات دے تابع ہو کے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے او بندہ ہے جڑا مینوں معبود نہیں مندا بلکہ اپنی خواہشات نو انہیں معبود بنا لے آئے, یعنی خواہشات نو انہیں اپنا الہ بنا لیا, اپنا معبود بنا لیا. چونکہ الہ انہوں کیا جاندہ ہے جیدی عبادت کیتی جائے, جیدی پرستش کیتی جائے, جیدی عبادت کیتی جائے. تو جیس بندے نے دنیا دے اندر خواہشات دی غلامی کرنی ہے, انہیں اٹھ دیاں بیٹھ دیاں چل دیاں پھر دیاں انہیں صبح و شام لیلو نہار اپنی خواہشات دی تکمیل دی غلامی کرنی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اس بندے دا حال تا ویکھو, اللہ فرماندے نے انہیں اپنی خواہش نو معبود بنا لے آئے, انہیں اپنی خواہش نو ہی اپنا معبود سمجھ لے آئے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا جڑا خواہش نو معبود بنائے گا او معبود برحق دی محبت تو تہی دامن ہو جائے گا. اس واسطے میرے بھائی معبود جانیے اپنے خالق و مالک نوم, میرے بھائی اللہ دی رضا دی خاطر او دی منشا تے او دی رضا دے اعمال کیجئے, اور خواہشات دی اپنے نفس دی غلامی کر کے اینا جناب شیطانی خواہشات دی پیروی دے ذریعے اللہ رب العالمین دی نا فرمانی نہ کیجئے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَزَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, اللہ فرماندے نے اونوں علم ہون دے باوجود, سمجھ ہون دے باوجود اکھیاں اللہ نے دتیاں سی کہ او راہ ہدایت ویکھ لیندا, اللہ نے قوت سماعت دتی کہ او حق بات سن لیندا, اللہ نے اینوں قوت بصارت دتی کہ اے راہ حق دیکھ لیندا. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے او بندہ اے اے جناب خواہش نو معبود بنانے والا جندے جناب اسنین اور جدیاں بسارت دیاں نعمتاں محروم کر دیتیاں گئیاں, یعنی اللہ نے انوے نعمتاں عطا کیتیاں تینے صحیح استعمال نہیں کیتا. اللہ فرماندے نے وَأَزَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, اسی سمجھ بوجھ ہون دے باوجود اونو ہدایت تو دور کر دیتا ہے, اونو راہ ہدایت تو دور کر کے گمراہ کر دیتا ہے, کیونکہ انہیں دنیا دے اندر خواہشات نو اپنا معبود بنا لیا. آئیے میرے بھائی اللہ رب العالمین دے فرمان تے غور کیجئے. اللہ رب العالمین نے فرمایا جیڑا بندہ خواہشات دی پیروی کردا ہے او گمراہ ہو جائے گا, راہ حق تو
ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਆਲਾਕਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਤਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਕੜ ਜਾਏਗਾ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ ਨੂੰ ਮਾਬੂਦ ਬਣਾ ਲਏਗਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਜੀਏ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੋ ਕੀਜੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਦੀਨ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਖਰਤ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੋਮਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਬੇਕਾਰ ਤੇ ਅਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਦ ਦੁਨੀਆ ਸਿਜਨੁਲ ਮੁਮਿਨ ਵ ਜੰਨਤੁਲ ਕਾਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮੋਮਿਨ ਦਾ ਕੈਦ ਖਾਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫਿਰ ਦੀ ਜੰਨਤ ਹੈ ਔਰ ਮੋਮਿਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਮਨਚਾਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਬਲਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਵਾਬਤ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ ਕੈਦੀ ਬੰਦਾ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਮੋਮਿਨ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ ਐਸ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉਸੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਾਫਰ ਦੀ ਜੰਨਤ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਏ ਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਏ ਅੱਛੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਹੋਏ ਉਹ ਹਰ ਖਾਹਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਮੰਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਤਗੋ ਦੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬੰਦਾ ਹੈ ਮੋਮਿਨ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗਾ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਸਤੂਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗਾ ਅੱਲਾ ਰੱਬ ਆਲਮੀਨ ਆਖਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀਆਂ ਚਾਹਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੀਆਂ ਆਰਜ਼ੂਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਜ਼ੂਆਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਮੰਨਾਵਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਗੋ ਦੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਮੁਕੱਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਆਖਰਤ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵਾਲੀ ਕਿਉਂ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹਦੀ ਚਾਹਤ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਅੱਲਾ ਇਸ ਬੰਦਾ ਏ ਮੋਮਨ ਦੀ ਆਖਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਤੇ ਚਾਹਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਏ ਮੋਮਿਨ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਏ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੁੰਤਖਿਬ ਕਰੇ ਜਾਂ ਆਖਰਤ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੇ ਇੱਕ ਜਹਾਨ ਉਹਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ ਔਰ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਜੀਏ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਅੰਮਾ ਮਨ ਤਗਾ ਵਆਸਰ ਅਲ ਹਯਾਤ ਦੁਨੀਆ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਰਕਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਆਮਾਲ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨੇ ਜਨਾਬ ਨਫਸਾਨੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ
इन्हें आखरत नू छोड़ के दुनिया नू पसंद कीता है ते एदा की इंजाम है जेड़ा ख्वाहिशात नफ्स दा गुलाम है जेड़ा दुनिया दी जिंदगी नू तरजीह देंदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फइन्नल जहीमा हियल मअवा ओदा ठिकाना जहन्नम है ओंदा जनाब दुनिया दे अंदर भी ओंदे वास्ते आखरत दी भी बर्बादी है दुनिया दी भी नाकामी है। और जेड़ा अपनी ख्वाहिशात नू अल्लाह ते उसदे रसूल दे ताबे कर देगा ओदे बारे कुरान कहंदा है वा अम्मा मन खाफा मकाम रब्बी जन्नतान। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जिन्हें अल्लाह तो डर के अल्लाह दी रजा दे अमाल कीते शैतान दियां चालां नू नाकाम बनाया ओ बंदा कामरान है ओ बंदा फौजो फला दा मालिक है। इस वास्ते मेरे भाई आइए दुनिया दे अंदर ओ तमन्ना कीजिए ओ आरजू कीजिए जेड़ी आरजू मेरे नबी पाक ने कीती है जेड़ी तमन्ना मेरे पाक नबी दे सहाबा ने कीती है। हर बंदे दी चाहते हर बंदे दी ख्वाहिश है हर बंदे दी तमन्ना है हर बंदे दी आरजू है मेरे सिद्दीक दी की ख्वाहिश है मेरे जनाबे सिद्दीक अकबर दी ख्वाहिश है। अल्लाहु अकबर अल्लाह माल मेरा होवे ते खर्च नबी पाक दी जात ते होवे बेटी मेरी होवे ते नबी पाक दे अक्दे मुबारक दे अंदर होवे। अल्लाहु अकबर अल्लाह ऐ जे मेरे नबी पाक दे सहाबा दिया ख्वाहिशात ऐ मेरे नबी दे सहाबा दिया आरजुआं ने रात दी तरीकी है मेरे नबी दे एक सहाबी हजरत साद बिन रबी रजी अल्लाह ताला अन्हो मेरे पाक नबी नू वजू करवान दिया सादता हासिल कर रहे ने। मेरे पाक नबी ने फरमाया ए मेरे साद दस तेरी आरजू की है दस तेरी तमन्ना की है। मेरे पाक नबी दा सहाबी कहंदा है अल्लाह दे नबी जी कोई आरजू है जिवें दुनिया च अल्लाह ने तुहाडा कुरब दिता है अल्लाह आखरत दे अंदर भी तुहाडा साथ अता फरमा दे। ऐ जे मेरे नबी दे सहाबा दियां ख्वाहिशां मेरे नबी पाक दे सहाबा दियां अरजुआं ते तमन्नावां मेरे नबी पाक अलैहि सलाम दे सहाबा दियां जनाब दुनिया दे अंदर अरजुआं की ने नबी पाक अलैहि सलाम दे सहाबा नूं दुनिया दा माल अजीज नहीं दुनिया दी जनाब दौलत अजीज नहीं ए दुनिया दा जनाब हुसन अजीज नहीं दुनिया दी शोहरत ते दुनिया दे ओहदे अजीज नहीं बल्कि उन्हां नबी पाक दी गुलामी दी ख्वाहिश कीती है। अल्लाहो अकबर अल्लाह अर्ज करना चाहना मोहम्मद की जिस दिल में चाहत ना होगी समझ लो के किस्मत में जन्नत ना होगी। ख्वाहिश करनी है ते मेरे पाक नबी दी गुलामी दी कर ले मेरे पाक नबी दा संग साथ मंग ले मेरे नबी पाक दे दफीना दी मेरे पाक नबी दे मदीना दी तांग ते हसरत दिल दे अंदर पैदा कर ले। अल्लाहो अकबर अल्लाह जे ख्वाहिश करनी है ते मेरे पाक नबी दे सहाबा दे कुरब दी आरजू कर ले। अर्ज करना चाहना मोहम्मद की जिस दिल में चाहत ना हो होगी समझ लो के किस्मत में जन्नत ना होगी। और करेगा इताअत नबी की जो दिल से उसे पीर और मुर्शद की हाजत ना होगी। करेगा इताअत नबी की जो दिल से उसे पीर और मुर्शद की हाजत न होगी। भटकता रहा है भटकता रहेगा
नबी जी से जिसको अकीदत न होगी। आइए मेरे नबी पाक अलैहि सलाम दी आरजू ते गौर कीजिए, मेरे नबी पाक ने किन्निया आरजुआं कीतियां ने। और एक गल याद रखी नौजवाना दोस्ता, मेरे वीर हर आरजू पूरी नहीं होया कर दी, हर तमन्ना पूरी नहीं होया कर दी, हर बंदे दी दुनिया दे अंदर चाहत पूरी नहीं होया कर दी। कोछो दिया ख्वाहिशां ने अल्लाह पूरिया फरमा देंदा है, कोसो दिया आरजुआं ने जेड़िया ओदिया आरजुआं अधूरिया रह जांदियां ने। अल्लाह अकबर। अल्लाह मेरे भाई लाजिम नहीं कि हर बंदे दी ख्वाहिश पूरी हो जाए, हर बंदे दी आरजू पूरी हो जाए। इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी ख्वाहिश कीती है, कितनी दुआ मंगी है। मेरे पाक नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, मैं चाहत रखना, मैं ख्वाहिश करना, मैं आरजू करना कि मैं अल्लाह दे रास्ते दे अंदर शहीद कर दिता जावा। मेरे नबी दी चाहत की है, मेरे नबी पाक दी ख्वाहिश की है, अल्लाह मैं तेरे रास्ते दे अंदर कट जावा, तेरे रास्ते दे अंदर शहीद कर दिता जावा, फिर मैनू जिंदगी दिती जाए, मैं फिर शहीद कर दिता जावा, फिर मैनू जिंदगी दिती जाए, मैं फिर शहीद की अल्लाह दे रास्ते दे अंदर हो जावा। ए मेरे नबी दी ख्वाहिश, ए मेरे नबी दी आरजू ते तमन्ना है। लेकिन मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे पाक नबी नू ए जनाब ख्वाहिश दे अंदर आप दी आरजू दे अंदर कामयाब नहीं कीता। मेरे नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दिया और भी बहुत ज्यादा ख्वाहिशां सी। मेरे भाई तुसी सुनदे हो उलमा दे कोलों, मेरे नबी पाक अलैहि सलाम ने अपने जनाब खानदान वास्ते, अपने कबीले वालियां दे वास्ते, इन्ना मक्की हाशमी कुरैशियां दे वास्ते मेरे पाक नबी ने कितनी मेहनत कीती है, कितनी कोशिश कीती है, कितनी तगोदो कीती है। मेरे पाक नबी ने कितनी ख्वाहिश कीती है कि मेरे नबी पाक दा चचा अबू तालिब मुसलमान हो जाए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मेरे नबी दी दिली ख्वाहिश है, मेरे नबी दी दिली आरजू है कि आप दे चचा, मेरे नबी दे शफीक चचा, मेरे नबी दे रफीकुल कलब चचा अबू तालिब मुसलमान हो जान। मेरे नबी ए करीम अलैहि सलातो सलाम दे ए जनाब चचा जान दे बारे आपने रात दियां तरीकियां भी दुआवां कीतियां ने, दिन दियां रोशनाइयां दे अंदर भी दुआ कीती है। अल्लाह ए मेरा चचा है, दुखां सुखां दे अंदर मेरा साथ देने वाला है, अल्लाह इनू ईमान दी रोशनी दे दे। अबू तालिब दा आखरी वेला है, मेरे नबी ए करीम अलैहि सलातो सलाम नू मिली ए जनाब अबू तालिब करीबुल मरग ने मेरे पाक नबी आए आके अपनी दिली ख्वाहिश दा इजहार कीता, चचा या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ए मेरे चचा ला इला पढ़ दे, ला इला पढ़ ले, मैं कलमा अल्लाह दे अगे पेश कर देंगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह पर मेरे भाई हिदायत मिन जाने बिल्लाए, बोलो हिदायत देने वाला कौन है? कोई वली हिदायत नहीं जे दे सकदा, बोलो कोई नबी हिदायत दे सकदा? हाँ मेरे भाई कोई बुजुर्ग हिदायत नहीं जे दे सकदा जिदों तक अल्लाह नू मंजूर ना होए। अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुरान ऐलान करदा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ मेरे नबी जी हिदायत इख्तियार में रब दे कोले, तुसी कोशिश भी करो, तुसी जनाब तगोदो भी करो, लेकिन इस दे बावजूद इख्तियार मेरे अल्लाह दे कोले। ओ रब चाहे ना फारस
रास्ते विचों सलमान नू बिला के हिदायत दा इमाम बना देंदा है। ओ चाहे ना मेरे भाई रूप दे विचों सुहैब नू बुला के हिदायत याफ्ता बना देंदा है। ओ हिदायत देन ते आए जमात दे विचों जनाब हजरते जनाब जमात नू अजद कबीले चो बुला के हिदायत दा अवार्ड दे देंदा है। हबशां दे विचों जनाबे बिलाल नू हिदायत दे देंदा है। अल्लाह अकबर अल्लाह ओ जिन्हां देन ते आए हाशमिया नू हिदायत नहीं देंदा कुरैशिया नू हिदायत नहीं देंदा। ओ जनाब मक्की जड़े मेरे पाक नबी दे करीबी रिश्तेदार ने उन्हां नू हिदायत नहीं देंदा क्योंकि अल्लाह खूब जानदा है हिदायत किन्नू देनी है हिदायत किथे बांटी जाएगी। मेरे भाई अर्ज करना चाहना आज कई लोग जनाबे अबू तालिब दे ईमान नू साबित करना चाहते ने पूरी जिम्मेदारी दे नाल सही अल बुखारी दी रिवायत मौजूद है। मेरे पाक नबी अली सलाम ने आप दी जिंदगी दे अखीर दे अंदर कलमा दी दावत दिती है लेकिन आप कलमा ना पढ़ सके मेरे नबी दे दीन ते ना फौत होए। जिदो मेरे नबी दे रफीक ते शफीक चचा जनाबे अबू तालिब फौत होए सैयदना अली उल मुर्तजा कहो रजी अल्लाह ताला मेरी नहीं मंदा मैं तेनू तेरे अली दी गल दसा सुन नबी दाऊद दी रिवायत है। मेरे नबी पाक दे चचा अबू तालिब दा इंतकाल हो गया है हजरत अली आए मेरे पाक नबी जी दे कोल आए ते आके की कहंदे ने माता अम्मुका जालतुन अल्लाह दे नबी तुहाडा गुमराह चचा फौत हो गया है अपना बाप नहीं किया माता अम्मो का जाला अल्लाह दे नबी तुहाडा चचा जेड़ा गुमराह होके मरिया है ओ फौत हो गया है। अगर ये अल्फाज ना दिखावा मैं पूरी जिम्मेदारी दे नाल इस मसनद दे बयान कर रहे हैं। मेरे भाई आज कई लोग ईमान है अबू तालिब दी आड़ दे अंदर हजरते सहाबा किराम ते तबर्रा कर देने अबू लहब ने मेरे नबी नाल प्यार कीता मोहम्मद बिन अब्दुल्ला समझ के अबू तालिब ने प्यार कीता मोहम्मद बिन अब्दुल्ला समझ के कई कुरैशिया ने कई हाशमिया ने कई मक्किया ने मेरे नबी नाल प्यार कीता मोहम्मद बिन अब्दुल्ला समझ के मैं ओदा तस्किरा करना जिन्ना मेरे नबी नू मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ही नहीं बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह मनिया है। अल्लाह दी कसम है ओ मेरे पाक नबी दे सहाबा ने जिन्ना मेरे पाक नू अल्लाह दा रसूल मन्या है मेरे नबी दी जात नू भी मन्या है मेरे नबी दी बात नू भी मन्या है। अल्लाह अकबर अल्लाह अर्ज करना चाहना मेरे भाई आइए बड़ी अकीदत दे नाल बड़े प्यार दे नाल अर्ज करना चाहना मेरे नबी पाक दियां कितनियां ख्वाहिशात ने जड़ियां पूरियां नहीं होईयां। नौजवाना जे अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे नबी दियां कई ख्वाहिशां पूरियां नहीं कर दे फिर मेरे भाई तेरी ते मेरी अहले दुनिया दी की हैसियत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे नबी दियां कई ख्वाहिशां नू अधूरा छोड़िया है ताकि दुनिया के लोगों नू पता चल जाए कि हर ख्वाहिश पूरी नहीं जे हुंदी। और मेरे भाई नौजवानों ये जिंदगी बड़ी कीमत अल्लाह रब्बुल आलमीन दी तरफों आजमाइश आया कर दिए अल्लाह बंदा है मोमिन नू नौजवान नू दी पसंदीदा चीज तो महरूम करके आजमांदा है अल्लाह रब्बुल आलमीन ओदी महबूब चीज तो जुदा करके आजमांदा है। ए दुनिया दे अंदर मेरे नाले दा ताल्लुक कैसा है कितने ऐसे नौजवान ने जिन्हां दियां ख्वाहिशां पूरियां नहीं हो ते ओ नशे दी लानत दे अंदर जिंदगी गुजार गए कितने
कितने ऐसे बदबخت नौजवान ने जिन्ना दियां हसरतां पूरियां नहीं होईयां, उन्हां अपनियां जवानियां तबाह कर लईयां। कितने ऐसे नौजवान ने जिन्ना दियां ख्वाहिशां पूरियां नहीं होईयां ते उन्हां खुदकुशियां कर लईयां। कितने ऐसे नौजवान ने जिन्ना दियां जनाब महबूब ख्वाहिशां पूरियां नहीं होईयां, उन्हां अल्लाह दी अमानत दित्ती जिंदगी जवानी नूं बर्बाद कर लिया है। मेरे भाई तैनू नहीं पता तेरे मुकद्दर दे अंदर अल्लाह ने तेरे जनाब किस्मत दे अंदर और तेरे हक दे अंदर की बेहतर लिख दिता है। और एक गल मेरे भाई याद रखना, जे किसे बंदे दी ख्वाहिश अधूरी रह जाए ओदी हसरत पूरी ना होए ओ सबर करदा है ते अल्लाह तो मदद मंगदा है। अल्लाह तो मदद मांगने वाला अपनियां जनाब ख्वाहिशां दी मेरे भाई अदम तकमील दी सूरत दे अंदर अपने ईमान नू मजबूत रखने वाला अल्लाह दी कसम है अल्लाह पहाड़ां दे बराबर उनू अजर अता फरमाएगा, उनू साबरीन दे अंदर लिख देवेगा। इस वास्ते मेरे भाई नौजवानों आइए बड़े प्यार दे नाल अरज करना चाहिए नाम ख्वाहिशात दा दायरा महदूद कीजिए। जे जिंदगी पुरसकून चाहते हो ख्वाहिशात दा दायरा महदूद कीजिए। हजरत सैयदना अबू जर गफारी कौर रजी अल्लाह ताला, बेटा मेरे वाल तवज्जो करो, सारे आपस गल ना करो, हजरत अबू जर गफारी कह दो रजी अल्लाह ताला, इन्हां जनाब बड़ी सादगी दी ते ज़ुहदो तकवा दी जिंदगी गुजारी है। अल्लाहु अकबर अल्लाह, अर्ज करना चाहना इन्हां आजजियां इख्तियार कर लईयां। मेरे नबी दा नौजवान सहाबी है, मेरे पाक नबी दा ए सहाबी जिन्हें दुनिया दियां लज्जतां छोड़ दितियां ने, दुनिया दियां ख्वाहिशात छोड़ दितियां ने। आप दे कोल जेड़ा दौलत ते माल सी ओ जनाब आपने दुनिया दे अंदर तकसीम कर दिता है। राती भी मिसकीना नू खिलाया, दिने भी हकदारा नू अल्लाह दा माल दिता लुटाया। अल्लाहु अकबर अल्लाह, एक दिन हजरत अबू जर गफारी दा एक गुलाम आया, कहन लगा हजरत जी तुसी लोकां नू खिला खिला के लोकां नू बांट बांट के लोकां च तकसीम कर करके अपने तो माड़िया नू अपने तो मजबूत कर दिता है। हुण लोग तुहाडा सदका खा के तुहाडा दिता माल लैके तुहाडे तो बहुते अमीर हो गए ने। हजरत अबू जर गफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिन्ना ज़ुहद तकवा इख्तियार कीता है। पुत्रा की गल है तेन इत्थे मेरे कोल आए, गल मुनासिब नहीं। अर्ज करना चाहना बच्चियां नू समझाया करो, आइए बड़े प्यार दे नाल इमामे कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहो, फिर कवो प्यार नाल सल्लल्लाहो। दौराने खुतबा कोई किसी नाल मुसाफा ना करे, गुफ्तगू ना करे। मैं सारा दिन क्लास पढ़ाना और मेरा अहबाब दे नाल ही वास्ता हुंदा है, इस वास्ते कोई फोन ते या कोई अपनी गुफ्तगू ना करया करे, अजर जाया ना करया करो। ये प्यार दी दावत है, मुहब्बत दी दावत है। आम कोई दरसे कुरान होए तो अलग बात है, खुतबा जुमा दी कदर जानिए। और आइए बड़े प्यार दे नाल दावत देना चाहना। हजरत अबू जर गफारी रज़ी अल्लाह ने कहा, आ फरमांदे ने मैं इन्ना दुनिया दे घरानू अपने दुनिया दे मालू अल्लाह दे रास्ते च पेश करके आखरत नू तरजीह दित्ती है। दुनिया दे घर बेच के आखरत दा घर खरीद ले आए ते कुरान की कहंदा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वा अम्मा मन खाफा मकाम रब्बी ही वनहन नफ्स अनिल हवा। फरमाया जिस नौजवान ने जिस बंदे ने अल्लाह तो डर के जिंदगी गुजारी, शैतानी ख्वाहिशात नू कुचल दिता है, नफसानी ख्वाहिशात नू तरक कर दिता है। मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जन्नत ओदा ठिकाना है, नजायज ख्वाहिशात नू तरक करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तेनू जन्नत दी बशारत सुना रहे ने। इस वास्ते
नजायज ख्वाहिशात दी तकमील दे अंदर नमाज़ां ज़ाया ना कीजिए। नजायज ख्वाहिशात दी तकमील दे अंदर नौजवानी दे अय्याम ज़ाया ना कीजिए। और नजायज ख्वाहिशात दी तकमील दे अंदर रहमान नू नाराज ना कीजिए। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम दा फरमाने गिरामी फरमाया, अल मुजाहिदू मन जाहदा नफ्सी फी ताअतिल्ला। फरमाया मुजाहिदोए ओ बंदा मुजाहिदां दी सब च खड़ा कीता जाएगा। अफजल जिहाद है जिहाद अकबर है। और नौजवानों दा सब तो बड़ा जिहाद फितनियां दे इस दौर दे अंदर जिहाद भी नफ्स है। क्योंकि आज दुश्मन तलवार दे जरिए नहीं अपने वार दे जरिए नहीं, आज यहूदो हनूत अपने वार दे जरिए नहीं मुसलमाना दी गैरत दे जरिए एना ते हमला कर रहे ने। मेरे भाई जिमें सरहदां दी सिक्योरिटी जरूरी है, जिमें मुलक दी मुहाफजत जरूरी है, ओ में हर नौजवान नू अपने वजूद ते जिहाद करना भी जरूरी है। मेरे नबी करीम अली सलाम ने फरमाया, मुजाहिदो बंदा है जेड़ा अल्लाह दी तात करदियां नफ्स दे खिलाफ जिहाद करदा है। नफ्स दे खिलाफ जिहाद करना शैतान रोकदा है कि ए जनाब अल्लाह दी इबादत तो दूर कर दिता जाए, जमीन ते फिसाद फैलाया जाए। मेरे भाई ए चंद रोजा जिंदगी दे अंदर आई अल्लाह रब्बुल आलमीन दी इताअत दे जरिए रहमान नू राजी कीजिए। जिमें अल्लाह दे नबी यूसुफ दी तुसा दास्तान पढ़िए, ओना दुनिया दे नौजवानां नू दस्या है अपनिया नफसानी ख्वाहिशात नू तरजीह नहीं देई दी बल्कि रहमान दी इत्तबा ते पैरवी करी दीए। इस वास्ते दोस्ता आइए अपनी जिंदगी दे अंदर शैतान दे खिलाफ मजबूत किला बन जाइए और अपने नफ्स नू शैतान दी पैरवी तो बचा के रहमान दी गुलामी दी सुपुर्द कीजिए। ऐ चंद रोजा जिंदगी अमानत जिंदगी है, ए मोमन दी जिंदगी ओदी ऐशो इशरत वाली नहीं, ओदी पसंद दे मुताबक नहीं बल्कि मोमन दी जिंदगी रहमान दी पसंद दे मुताबक होया कर दिए। मेरे वीर मुसाफिर सोच जरा इस जग दा इको फेराए, ओ क्यों लंबियां लंबियां उम्मीदां करके बैठा है। मेरे नबी जी ने फरमाया, बंदा बूढ़ा भी हो जाता है इब्ने आदम अपनी ज़ईफी नू पहुंच जाता है, पर दो चीजा एदियां जवान रहिंदियां ने, एदियां दो चीजां और ज्यादा जनाब बढ़ जांदियां ने। मेरे पाक नबी ने फरमाया, इब्ने आदम दियां दो ख्वाहिशां बुढ़ापे दे बायस इनू जनाब और ज्यादा एदियां बढ़ जांदियां ने। एक माल दी ख्वाहिश है, ए जनाब दुनिया दे अंदर एदियां तमन्नावां एदियां आरजूआं बढ़दियां रहिंदियां ने। इस वास्ते मेरे भाई इब्ने आदम दुनिया दे अंदर जिंदगी गुजारे अल्लाह दी इताअत तो फरमा बरदारी दी जिंदगी गुजारे और जनाब ए दियां ख्वाहिशां जवान ही रहिंदियां ने। ए आप बूढ़ा हो गया ए दियां ख्वाहिशां जवान ने, ए दियां हसरतां जवान ने। इस वास्ते मेरे भाई असी ख्वाहिशां इत्थे नहीं करनियां बल्कि ख्वाहिशां उत्थे अल्लाह दे हां पूरियां होनगियां, क्योंकि ए दुनिया मोमन दा कैद खाना है। मेरे वीर मुसाफिर सोच जरा इस जग दा इको फेराए, इथों नजर बचा के टुर चलिए साडा अगे सफर लमेराए। और नौजवान अरस करना चाहना, ना कर तू मान जवानी दा
ना कर तू मान जवानी दा ए बुलबुलाए सजना पानी दा टूटे डोर गुड्डी आसमानी दा फिर हुंदा हाल मंदेराए मेरे वीर मुसाफिर सोच जरा इस जग दा इको फेराए और केड़ी दुनिया ते जी लाया है लंबियां लंबियां ख्वाहिशां कीतियां ने कब्रां दे ढेर उचेरे ने जड़े खाशा लैके मना मट्टी दे अंदर चले गए ओए वीरा तू ना तो इबरता क्यों नहीं हासिल करदा कब्रां दे ढेर उचेरे ने दस थल्ले वस दे केड़े ने कुछ तेरे ने कुछ मेरे ने ए उजड़ियां दा वेड़ा ए मेरे वीर मुसाफिर सोच जरा इस जग दा इको फेरा ए और दोस्ता गल मोहब्बत दे नाल सुन वाली ए नहीं ओ रहना यार प्यारिया ने नहीं ओ रहना यार प्यारिया ने ठह जाना है महल मनारिया ने ते टुट जाना है चन्ना तारिया ने कुछ दिन दा एथे बसेरा है मेरे वीर मुसाफिर सोच जरा इस जग दा इको फेरा है और दुआ करिया कर खातिमा बिल खैर दी ऐ कीमती दुआए ए होई अल्लाह दे गिलती जाए जिदो आखरी आवे सल्लल्लाह पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह ए होई तमन्ना है होर कोई आरजू नहीं जिदो आखरी आवे सल्लल्लाह पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मेरी लगी तोड़ निभा अल्लाह मैनू फकत सहारा तेरा है मेरे वीर मुसाफिर सोच जरा इस जग दा इको फेरा है अल्लाह मैनू तुहानू खात्मा बिल खैर दी दौलत नसीब फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन औलिया और रहमान दे नक्शाए कदम ते चलन दी तौफीक।